हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड उन वेजिटेबल्स में से एक है जिन्हें हम अपने किचन से भी ग्रो कर सकते हैं। मार्केट से जो बिटर गॉर्ड आते हैं उनमें से कुछ पके हुए होते हैं, उनसे आप बीज निकाल लीजिए, उसे धुल लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए, फिर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिटर गॉर्ड ग्रो करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का फुल अपडेट देने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन वेस्ट कंटेनर में मैं बिटर गॉर्ड ग्रो करने वाला हूँ। इन बोरियों में वेजिटेबल काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इन दो कंटेनर में मैं बिटर गॉर्ड ग्रो करूँगा। तो ये सीड्स हैं, ये मार्केट वाले करेले से ही मैंने सीड्स निकाले हैं। एक कंटेनर में मैं 5 से ज़्यादा सीड्स ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि इनका जर्मिनेशन 100% नहीं होता है। इन सीड्स को आपको मिट्टी में दबाना होता है, उसके बाद पानी देना होता है। पानी पहली बार अच्छे से देना होता है। पाँच दिन का रिजल्ट, जर्मिनेशन तीसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। बीस दिन का रिजल्ट, प्लांट्स ने अब वाइन का रूप ले लिया है। तीस दिन का रिजल्ट, किसी भी वाइन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए उसे सहारे की जरूरत होती है। मैंने ये ट्रेलिस बनाई है, ये ट्रेलिस मैंने कपड़े से बनाई है। इसमें प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम हमें वेजेस को ढूंढना नहीं पड़ता है, वो दूर से ही हमें दिख जाते हैं। 40 दिन का रिजल्ट, बारिश का पानी पाकर प्लांट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर चुके हैं। बारिश में सभी प्लांट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। बोरियों में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें पानी टिकता नहीं है और हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। ये 45 दिन का रिजल्ट है। मैं करेले की, बिटर गॉर्ड की फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ। साठ दिन का रिजल्ट, बिटर गॉर्ड की सीडलिंग मैंने जून के लास्ट वीक में किया था। आज मैं बिटर गॉर्ड की सेकेंड हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। बिटर गॉर्ड की सीड्स आप जब भी कलेक्ट करें, एक बात का ध्यान रखें कि बिटर गॉर्ड आपका हेल्दी हो, वो छोटा वाला बिटर गॉर्ड ना हो। वो छोटा वाला बिटर गॉर्ड प्लांट्स पर ही पक जाता है। ये बिटर गॉर्ड मैंने ज़ीरो कॉस्ट में ग्रो किए हैं। बिटर गॉर्ड के सीड्स मैंने अपने किचन से कलेक्ट किए हैं। प्लांटर के रूप में मैंने बोरी को यूज़ किया है और इसके अंदर का सॉइल मिक्सचर मैंने नीचे अपने गार्डन की सूखी हुई पत्तियां, किचन वेस्ट और उसके ऊपर मैंने मिट्टी, गोबर की खाद जो कि मुझे फ्री में मिल जाता है, वर्मी कंपोस्ट जो कि मैं घर पर ही बना लेता हूँ, इन तीनों का मिक्स करके मैंने उसमें सीलिंग किया था। और आज पूरे 2 महीने बाद मैं इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो से प्रेरित होकर आप भी अपने गार्डन में बिटर गॉर्ड ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।